दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा की चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह फेल हो रहे हैं। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में गृह मंत्री शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा था। प्रतिष्ठा से जुड़े दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति से यह सवाल और बड़ा हो गया है। शनिवार को दिल्ली में वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल ऑफ पोल्स में आम आदमी पार्टी को 70 में से 52 सीटें मिल रही हैं, वहीं बीजेपी को 17 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को महज एक सीट मिलती दिख रही है। हालांकि बीजेपी के वोटिंग परसेंट में थोड़ा सुधार भले होता दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना 11 फरवरी को होगी और तभी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी, लेकिन ये संकेत तो मिल चुके हैं कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ केजरीवाल की पार्टी आपके सामने कोई चुनौती नहीं है। शाह दिल्ली जीत के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे, खासकर शाहीन बाग के मुद्दे पर। जैसे ही उन्हें दिल्ली की जनता में नाराजगी का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी रणनीति बदल डाली। प्रधानमंत्री के चेहरे और उनके विकास पर चुनाव लड़ रही भाजपा को राष्ट्रवाद बनाम शाहीन बाग के रूप में नया मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने दिल्ली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिजली पानी मुफ्त देने की योजना को वोटर पसंद करते दिख रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के पारंपरिक वोटर माने जाने वाले व्यापारी वर्गों को भी रिझाने में वह सफल होते दिख रहे हैं। यही कारण है कि तमाम एग्जिट पोल से परेशान शाह ने आनंद फानन में दिल्ली के भाजपा के सभी सांसदों को बुला डाला, यह पता लगाने के लिए कि पूरी गणना ज्यों की त्यों, कमल का खेल बिगड़ा क्यों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी खबरों के ताज़ा तरीन वीडियो और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।